फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सी शार्प के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सी शार्प के अंदर ऑपरेटर्स तीन चार तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फिर हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद आ गए आपके कंपैरिजन ऑपरेटर और ट्रेनरी ऑपरेटर। मेन हमारे ये ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे आते हैं। तो ये नॉर्मल से ऑपरेटर्स है, इनको हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझने के लिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले रहा हूँ, इंटीजर टाइप का, इंट ए इक्वल्स टू जीरो, इंट बी इक्वल्स टू जीरो, और एक और ले लेता हूँ इंट सी इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहला ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक के अंदर, हमें एडिशन करना होता है, तो हमने किया सी इक्वल्स टू ए प्लस बी और कॉन्सोल डॉट, और राइट लाइन कराता हूँ मैं इसको, मैंने सी डॉट, पहले तो मैंने ए प्रिंट कराया, योर फर्स्ट वैल्यू इज ए डॉट टू स्ट्रिंग, मैंने ये सबसे पहले प्रिंट कराया इसके अंदर, फिर मैंने इसे वापस कॉपी किया, योर सेकेंड वैल्यू इज बी डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके बाद दिया Your sum is c dot to string किया मैंने, और console dot readline किया मैंने। ये हमारा बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन करने के लिए। योर फर्स्ट वैल्यू जीरो, सेकेंड वैल्यू जीरो। अब मैं इनको एक बार चेंज कर देता हूँ, 10, 20 वापिस चलाते हैं हम। योर फर्स्ट वैल्यू इज 10, सेकेंड वैल्यू इज 20 एंड योर सम इज 30। तो ये हमारा हुआ एडिशन ऑपरेटर सी शार्प के अंदर, अर्थमेटिक के अंदर। सेकेंड हम उसी तरीके से वापस करें, हमने मैंने अब सी इक्व टू ए माइनस बी कर दिया, और फिर मैं वापस इस कोड को कॉपी करता हूँ। योर फर्स्ट वैल्यू इज योर सम इज, एंटर मारा, योर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब्ट्रैक्शन इज माइनस 10, 10 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 10। ये हो गया प्लस माइनस। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं। ए इसके अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार के साइन लगाते हैं हम लोग, इसमें स्टार के साइन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, योर मल्टीप्लाई इज 200। इस तरीके से नेक्स्ट हम करेंगे, उसके बाद मैंने किया c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जीरो, क्योंकि 10 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपका जीरो आएगा। अब हम यहाँ थोड़ी सी इसको चेंज कर देते हैं, a इक्वल टू 20 कर देते हैं, b इक्वल टू 10 कर देते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 आपका डिवीजन के अंदर 2 आ गया। अब एक और होता है हमारा इसके अंदर मॉडुलस। मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, आपके रिमाइंडर वैल्यू आपको देता है। जैसे कि सपोज कीजिए मैं इसी को वापस करता हूँ, ए मॉडुलस 2 मैंने किया, तो वो हमको 0 देगा, क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रहा है ए मॉडुलस बी। यानी कि अगर 20 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब हमें रिमाइंडर निकालना हो तो हम लोग मॉडुलस यूज़ करते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको देता हूँ, ए इक्वल्स टू 23, बी इक्वल्स टू 10। अब हमारे पास रिमाइंडर देखिए क्या आता है, अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3, क्योंकि 10 में से 20 तो डिवाइड हो गया था 2 से, बट जो हमारा 3 बच गया वो उसने रिमाइंडर के अंदर मुझे रिमाइंडर में दे दिया मुझे इसने, तो हम लोग मॉडुलस भी बोलते हैं। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ मॉडुलस, ठीक है। देखिए सबसे पहले सब्ट्रैक्शन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, और फिर ये आपका मॉडुलस। तो ये हमारा हुआ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। बहुत सिंपल है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर।
इंक्रीमेंट ऑपरेटर करने के लिए मान लीजिए मैं इस प्रोग्राम को तो मैं डिलीट कर देता हूँ, एक नया वैल्यू ले रहा हूँ मैं इसके अंदर, मैंने डबल लिया एक्स और एक्स की वैल्यू जो मैंने डिफाइन कर दी 1.5 मान लीजिए, फिर मैंने इसको प्रिंट कराया कॉन्सोल डॉट राइट लाइन प्लस प्लस एक्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे प्लस प्लस होते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे माइनस माइनस होते हैं। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, प्लस प्लस इज इंक्रीमेंट एंड माइनस माइनस इज डिक्रीमेंट, ये दो ऑपरेटर हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर होते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिया डबल एक्स इक्वल टू 1.5 और उसके बाद मैंने इसको कॉन्सोल डॉट राइट लाइन किया प्लस प्लस एक्स। अभी ये मुझे जो रिटर्न करके देगा इसको हम बाद में करेंगे, मैंने अभी इसको प्लस प्लस कर दिया, फिर मैंने वापिस एक्स की वैल्यू 1.5 कर दी और फिर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन कर रहा हूं एक्स प्लस प्लस, फिर मैंने एक्स को प्रिंट किया और मैं रीड लाइन कर रहा हूँ एक्स को। अभी हम एक बार देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। सबसे पहले उसने मुझे प्रिंट करके दिया 2.5, अभी चलाते हैं एक बार इसे, हम यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ साइड में लेते हैं। सबसे पहले मेरी एक्स की वैल्यू थी 1.5, फिर मैंने कहा उसको इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो, तो इसने मुझे 2.5 दिया। मैंने वापस से वैल्यू एक्स की वैल्यू 1.5 करी, फिर मैंने सिस्टम को कहा कि पहले तो प्रिंट करो फिर प्लस करो, तो उसने इस वाली लाइन के अंदर मुझे जो यहाँ पे सेकेंड आउटपुट आ रहा है उसमें 1.5 भी दिया। इसने प्लस तो किया पर पहले मुझे प्रिंट करा दिया, फिर उसके बाद इसने मेमोरी के अंदर उसको इंक्रीमेंट करके स्टोर किया, फिर इस थर्ड वाले आउटपुट से उसने मुझे वापस 2.5 दिया। तो एक बार हम इसको समझते हैं, प्लस प्लस एक्स में पहले प्रिंट इंक्रीमेंट करता है फिर प्रिंट करता है, एक्स प्लस प्लस के अंदर पहले प्रिंट करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा, समझ गए इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से हम इसको वापस करते हैं, हम इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए ट्राई करके देखते हैं, सेम उसी तरीके से करेंगे हम उसको जैसे हमने ऊपर वाले को किया था, चला के देखते हैं हम इसे। पहले इसने डिक्रीमेंट किया, फिर इसने प्रिंट किया, फिर इसने नॉर्मल वैल्यू को इंक्रीमेंट किया प्रिंट किया, फिर इसने इसको डिक्रीमेंट किया, फिर बाद में से प्रिंट किया। तो सिंपल सा है, अगर पहले वैल्यू है तो प्रिंट करेगा, बाद में इंक्रीमेंट है और पहले इंक्रीमेंट है तो पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर प्रिंट करेगा, ये हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हो गए हमारे एंड और लॉजिकल ऑपरेटर करते हैं नेक्स्ट हम लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास आता है एंड एंड और। सी शार्प के अंदर हम लोग डबल एम्परसेंड के लिए एंड यूज करते हैं और डबल लाइन को हम लोग और के लिए यूज में लेते हैं। एंड का मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन होनी चाहिए और दोनों ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन होनी चाहिए कोई सी भी एक ट्रू होनी चाहिए। इसको करने के लिए मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक वैल्यू लिया इन ए इक्वल्स टू 20 एंड बी इक्वल्स टू 30। अब मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ उसके अंदर, इफ ए इस ग्रेटर देन बी है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी है तो, और एक वैल्यू और लेता हूं मैं इसके अंदर इंट सी इक्वल टू 40, इंट ए इज ग्रेटर देन बी है एंड ए इज ग्रेटर देन सी है, कॉन्सोल डॉट
राइट लाइन करेंगे हम लोग, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ये हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई। तो अभी अगर आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो इसके अंदर ये बोल रहा है अगर ए बी से बड़ा है एंड और ए सी से बड़ा है तो वो इस इफ कंडीशन के अंदर जाएगा और इसको प्रिंट करेगा। तो हम लोग इसमें से किसी एक बार इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, कंसोल डॉट रीडलाइन करा मैंने, क्योंकि उसमें वो गया नहीं क्योंकि दोनों कंडीशन ही यहाँ फॉल्स हो गई। मैं एक कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, ए इज लेस देन बी, ये कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि ए बी से छोटा है एंड ए इज ग्रेटर देन सी, बट क्या ए सी सी से बड़ा है, नहीं तो भी ये इसके अंदर नहीं जाएगा। मैं इसमें एल्स कंडीशन लगाता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन कंडीशन नॉट ट्रू कर दिया मैंने इसको यहाँ पे। अब हम चलाएं, कंडीशन नॉट ट्रू क्योंकि एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी इसलिए इसमें ये नहीं गया। अब इसको मैं वापस कॉपी करता हूँ और इस एंड की जगह पे मैं एक और लगा देता हूँ। इस केस में देखिएगा क्या हो रहा है, ए बी से छोटा है यानी कि ये कंडीशन ट्रू है बट ए सी से छोटा है तो ये कंडीशन फॉल्स है। बट फिर भी इसके अंदर ये जाएगा आपके ए इज लेसर देन बी और ए इज लेसर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई है इसीलिए इसके अंदर ये चला गया है। तो बहुत सिंपल है, एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, उसके बाद वो उस कंडीशन में चला जाता है। ये हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग पहले दिन से यूज कर रहे हैं, इन ए इक्वल टू जीरो, ये जो सिंगल इक्वल टू है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ये ए को जीरो वैल्यू असाइन कर रहा है तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट के बाद हो गए हमारे सेकेंड ऑपरेटर, हो गया हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर का मतलब हो गया इंट बी इक्वल टू मैंने 20 किया, इफ कंडीशन के लिए हम लोग मैक्सिमम केस के अंदर कंपेरिजन ऑपरेटर लेते हैं, इफ ए इक्वल टू पी तो ये काम करो आप, कंसोल डॉट राइट लाइन ए इक्वल्स पी, ये हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर हुआ नॉर्मल। इसी तरीके से कंपेरिजन के अंदर हमारे नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, एक और हमारा है नॉट इक्वल्स टू, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। ए इक्वल्स बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स बी, ए इज लेस देन और equals b, a is not equals to b, ये हमारे हो गए comparison operators।
चला के देखें, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन इक्वल्स बी, ए इज नॉट इक्वल्स बी, इस तीन कंडीशन के अंदर ये चला गया, क्योंकि ए जीरो था बी ट्वेंटी थी, इस कंडीशन में नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, ए बी से छोटा है इसलिए ये इसमें चला गया, ए बी से छोटा या बराबर है इसमें चला गया, और ए बी के बराबर नहीं है इसलिए ये चला गया। तो ये हो गए हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर। तो हमने कंपेरिजन ऑपरेटर पढ़ लिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिए, हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ लिए, एक और हमारा इसके अंदर रह जाता है आपका ट्रिनेरी ऑपरेटर। ट्रिनेरी ऑपरेटर क्या है? टर्नेरी ऑपरेटर जो है एक बहुत सिंपल सा ऑपरेटर है, उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। टर्नेरी ऑपरेटर के लिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए, मैं इस एग्जांपल को अपन डिलीट कर देते हैं वापस से, टर्नेरी ऑपरेटर। टर्नेरी ऑपरेटर बेसिकली इफ कंडीशन का एक वर्जन ही है। मैंने किया इट ए बी इक्वल्स टू 10, इंट ए सी इक्वल्स टू 20, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया एस टी आर वी जिसको मैंने ब्लैंक इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं एस टी आर वी इक्वल्स टू लगा रहा हूँ। पहले टर्नेरी ऑपरेटर के अंदर कंडीशन लगती है ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, अगर है तो वो प्रिंट करें ग्रेटर, अदरवाइज लेस देन। तो इस तरीके से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को यूज में लेते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा कॉन्सोल डॉट रीड लाइन, पहले मैं राइट लाइन कर लूँ, कॉन्सोल डॉट राइट लाइन एस टी आर वी और कॉन्सोल डॉट रीड लाइन करते हैं हम। तो चला के देखें, लेस देन कर दिया इसने, क्योंकि ए बी से छोटा है। तो ये इफ कंडीशन का एक दूसरा वर्जन बोल सकते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर्स को। तो फ्रेंड्स, ये सारे हमने पढ़े आज ऑपरेटर्स, बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी ये नहीं है। हाँ, ये हमारे रोज काम आने वाली चीज़ है, तो आपको दो तीन बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको सब याद हो जाएंगे।